किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं राम गोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों आज 30 जून है और 30 जून 2022 किसान साथियों आज रतलाम कृषि उपज मंडी में सुबह से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्याज के वाहन खड़े हैं और किसान साथियों सुबह से बारिश हो रही है, अच्छी जोरदार बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी कम हुई है और अभी नीलामी जो प्याज की है वो किसान साथियों 11 बजे शुरू होने का ऐसा ऐलान हुआ है कि 11 बजे शुरू होगी, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। प्याज नीलाम होने के बाद भरने की भी व्यवस्था उसमें दिक्कत आती है और नीलामी में भी किसान साथियों बारिश जब होती है तो उसमें नीलामी में भी परेशानी आती है, तो इसलिए सभी कृषि जिनसे 11 बजे शुरू होगी अगर बारिश पर्याप्त खुल जाती है तो। और किसान साथियों आज रतलाम के आसपास बहुत अच्छी जोरदार बारिश हुई है। अभी यहाँ पर रतलाम के आसपास बोवनी नहीं हुई थी सोयाबीन की, पर बाकी अब सोयाबीन बोवनी के लिए पर्याप्त नमी हो चुकी है, अच्छी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में किसान साथियों आज 30 जून 2022 का ये पूरा दृश्य इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी बारिश किसान साथियों हल्की थोड़ी सी कम हो गई है और थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोर से सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पर। कहीं आसपास गांव में किसान साथियों एक घंटे बाद पहुंची है बारिश, तो कहीं पर जल्दी सुबह से ही बारिश हो रही है। देख सकते हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में किसान साथियों ये प्याज की आवक इधर भी हैं, हमारे किसान साथी इंतज़ार कर रहे हैं नीलामी का और सुबह 11 बजे नीलामी होगी, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और इस वीडियो के माध्यम से आपको किसान साथियों एक बात की अवश्य जानकारी दे दूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में जब भी आए अपने वाहन को खड़ा करते हैं तो आप उसको पर्याप्त किसान साथियों त्रिपाल से अच्छी तरीके से पूरा ढककर जाएँ। अगर आप उसको लूज़ ढककर जाएंगे हवा में भी आपकी त्रिपाल उड़ सकती हैं या फिर पानी घुस सकता है, अपने प्याज की फसल अपना प्याज ख़राब न हो इस तरीके से किसान साथियों अच्छे प्रॉपर तरीके से ढक के जाए, नहीं तो किसान साथियों अगर पानी घुस जाएगा तो उसका दाम कम मिलेगा, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हाँ, इधर देखो कहीं है।